हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए समा के चावल की खीर का वीडियो लेकर आई हूँ। समा के चावल हेल्दी होते हैं तो आप इस खीर को कभी भी बना सकते हो, पर हम इस खीर को अधिकतर व्रत में बनाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। खीर बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कटोरी समा के चावल लिए हैं, ये करीब 100 ग्राम के करीब है। समा के चावल को मैंने 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है और 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था। अब खीर बनाते हैं। चलो, खीर बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 लीटर गाय का दूध लिया है, आप बफेलो मिल्क भी ले सकते हो। दूध को उबाल लूँगी। उबालने के बाद मैं दूध को 15 से 20 मिनट तक हाई टू मीडियम गैस पर रखूँगी, जिससे दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। फिर दूध में मैं भिगोए हुए समा के चावल डालूँगी। दूध गाढ़ा हो गया है, अब दूध में मैं भिगोए हुए समा के चावल डालूंगी और मिला दूंगी। खीर को हमने मिला दिया है, अब मैं इसमें ये 4-5 छोटी इलायची डालूंगी, इससे अच्छी खुशबू आती है। और खीर को हम थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहेंगे, जिससे कि ये बेस पे नीचे चिपके ना। समा के चावल की खीर बनते हुए 15 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं ये गाढ़ा होने लगी है, चावल भी अच्छे से पक गए हैं। अब मैं इसमें 1 कटोरी चीनी डालूंगी। ग्राम में देखें तो ये 100 ग्राम के करीब है। चीनी को आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो, या आप चीनी की जगह गुड़ का भी यूज़ कर सकते हो। खीर में मैं ये थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, पिस्ता, चिरौंजी, किशमिश, बादाम और काजू। आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। ड्राई फ्रूट को मैं खीर में डाल दूंगी, मिला देंगे। खीर बनकर तैयार है, सर्व कर लेंगे। समा के चावल की खीर बन गई है, अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। हमारे समा के चावल की खीर बनकर तैयार है। आप इस खीर को किसी भी व्रत में बना सकते हो। अभी शिवरात्रि का त्यौहार आने वाला है, तो आप इस खीर को इस व्रत में बना सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।